हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एक नया चैप्टर शुरू जिसका नाम है RDBMS यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन ऑफिस बेस के बारे में। तो ओपन ऑफिस बेस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड किया जाता है ओपन ऑफिस के द्वारा, यानी कि अपाचे ओपन ऑफिस के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है। और ये एक DBMS सॉफ्टवेयर है। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेसेस एंड इस फाइल एक्सटेंशन इज .odb। आगे बढ़ते हैं, डाटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। तो डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा। यू कैन विजुअलाइज इट एज अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा होता है आपका एक डाटाबेस, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है आपका एक डाटाबेस, और उसे आप एक कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन ही बोल सकते हो। डाटा इज टाइपिकली ऑर्गेनाइज इंटू मॉडल रिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, यानी कि ये जो रियलिटी के रिलेवेंट एस्पेक्ट्स की डाटा को हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कैसे कैसी कैसी डाटा को हमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स इन होटल्स, तो इस टाइप की डाटा को हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। अब बात करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ अ डाटाबेस। एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसकी वजह से हम डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और यूज कर सकते हैं, और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करता है डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, वेरियस एप्लीकेशंस के लिए। जैसे कि आपका स्कूल है, उसमें डाटाबेस क्रिएट किए जाते हैं। कैसे? बच्चों की फीस के बारे में डाटाबेस बना दिया एक, ठीक है, आपके डिटेल्स के बारे में पूरा का पूरा एक डाटाबेस होता है, ठीक है। डाटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। और अरे कहाँ पहुँच गए भाई, पीछे चलो पीछे। DBMS allow different user application programs to concurrently access the same database. Different user application program जो है डाटाबेस को कंकरेंटली एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो आप DBMS के Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, PostgreSQL, MySQL, Fox Pro एंड SQLite। एक और एग्जाम्पल लिख लो ओपन ऑफिस बेस। आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पे। डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज इंटू टू टाइप्स। डाटा को हम दो तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैसे कैसे? सबसे पहला है फ्लैट फाइल और दूसरा है रिलेशनल। तो पहले फ्लैट फाइल को समझते हैं। डाटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल। फ्लैट फाइल के अंदर हम डाटा को सिंगल टेबल में स्टोर करते हैं, यूजुअली सूटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा। रिलेशनल के अंदर हम डाटा को मल्टीपल टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, और जो मल्टीपल टेबल्स हैं उनको हम आपस में लिंक करके रखते हैं यूजिंग अ कॉमन फील्ड। कॉमन फील्ड की मदद से हम डाटा को आपस में लिंक करते हैं। कैसे? कॉमन फील्ड क्या होता है? मान लो आपके पास तीन चार टेबल है, स्कूल वालों के पास होती है तीन चार टेबल। तो एक में तो आपका एडमिशन नंबर है, नेम है, रोल नंबर है। दूसरे में आपका एडमिशन नंबर है और आपका क्लास है, आपका सेक्शन है। एक आपका एडमिशन नंबर है, आपका एड्रेस है, आपका पापा का नंबर है। तो तीनों चारों टेबल में जो है एक चीज कॉमन है, जो कि एडमिशन नंबर है। एडमिशन नंबर की मदद से हम सभी की सभी टेबल्स को आपस में लिंक कर देते हैं, तो उससे बोलते हैं हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो एडमिशन नंबर है वो है आपका कॉमन फील्ड। अभी फील्ड क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो रिलेशनल डाटाबेस इज यूज्ड फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मीडियम से लेकर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए सूटेबल होता है। डाटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं? डाटाबेस सर्वर वो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं। इस चीज को याद रख लेना। ये जो चैप्टर है ना, टर्म वन और टर्म टू में दोनों में आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेटाबेस सर्वर ये जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको रट लेना बेशक। तो ये जो है आपका डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं जो एक्चुअल डेटाबेस को होल्ड करते हैं और रन ओनली द DBMS सॉफ्टवेयर। ऐसे डेडिकेटेड कंप्यूटर जिनमें केवल DBMS सॉफ्टवेयर ही रन होता है और उनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर रन होते हैं, उसे हम बोलते हैं डेटाबेस सर्वर। और इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइपिकली डेटाबेसेस अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर आर एक्सेस्ड थ्रू कमांड लाइन ग्राफिक्स, ठीक है। तो जो डाटाबेस होते हैं इसमें इसमें डाटाबेस सर्वर्स में, उन्हें हम एक्सेस करते हैं। हम कैसे एक्सेस कर लेंगे उनको? डाटाबेस सर्वर है ना, वो बैक एंड में काम करते हैं, बैकग्राउंड में काम करते हैं, ठीक है। बैक एंड में काम करते हैं मतलब कोई भी ऐसा प्लेस होता है जहाँ डाटाबेस सर्वर को रखा जाता है और वो काम करते हैं, और हम जो है ना, हम उनका यूज़ करते हुए डाटाबेस क्रिएट करते हैं। कैसे? समझते हैं अभी। तो हम जो है ना फ्रंट एंड पर काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं फ्रंट एंड पर, और जो डाटाबेस सर्वर है वो काम कर रहे हैं बैक एंड पर। सर्वर होता है क्या है? सबसे पहले समझो सर्वर क्या होता है। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक ऐसा कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं सर्वर, ठीक है। तो ये है डाटाबेस सर्वर। तो ये डाटाबेस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट होता है जो सर्विसेज को लेता है। तो हम क्लाइंट हैं और ये जो है सर्वर है, डाटाबेस सर्वर। इतना आपको समझ में आना चाहिए। और ये जो मॉडल है ना सर्वर और क्लाइंट का, इसे हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। डाटाबेस सर्वर समझ में आया?
आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है रिड्यूसेस डाटा रिडंडेंसी, रिड्यूसेस डाटा रिडंडेंसी। देर आर समटाइम्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल, क्या होता है सेम फाइल है आपकी, उसकी मल्टीपल कॉपीज ना होने दें, इसे हम बोलते हैं रिड्यूसेस डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, तो जब सेम फाइल की मल्टीपल कॉपीज होती हैं तो हम उसे बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी। और डाटा रिडंडेंसी हमारी जो है ओपन ऑफिस बेस के अंदर या फिर किसी भी डाटा बेस के अंदर नहीं होती है। ठीक है, दिस इज प्रिवेंटेड इन डाटा बेस, और ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डुप्लीकेट डाटा नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं शेयरिंग ऑफ डाटा, डाटा को हम आपस में दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, कैसे देख लो। और मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेना अपने आप, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो दो चार लोग हैं वो आपस में डाटा को शेयर कर सकते हैं, और केवल वही लोग डाटा को एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास यूजर नेम और पासवर्ड होता है। यूजर नेम और पासवर्ड लोग वाले लोग ही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी डाटा बेस को ले लेगा, ऐसा नहीं है। जिसके पास पर्टिकुलर यूजर नेम और पासवर्ड होगा वही डाटा को एक्सेस कर सकता है। एडवांटेजेस है डाटा बेस के, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, डाटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होता है डाटा बेस के अंदर। ठीक है, कितने एडवांटेज पढ़ लिए हमने, तीन, पहला, दूसरा और ये है तीसरा। अगला है डाटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में भी वही है कि जो डाटा है ना वो ऑथोराइज्ड यूजर ही यूज कर सकते हैं, और यूजर नेम और पासवर्ड से डाटा जो है वो सिक्योर्ड रहता है। आगे है बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप एंड रिकवरी का मतलब है जो डाटा है वो बैकअप होता रहता है। मान लो आपका कंप्यूटर जो है खराब हो गया, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो क्या है डाटाबेस है वो डाटाबेस जो है आपका बैकअप रहेगा, जो उसका डाटा है आपका सिक्योर्ड रहेगा, आपको कोई भी डाटा का लॉस नहीं होगा। बैकअप और रिकवरी हो जाती है ऑटोमेटिकली डाटाबेस के अंदर, आपको नहीं करना पड़ेगा बैकअप, बैकअप जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब है कि मान लो कि आपके पास है दो तीन टेबल्स डाटाबेस के अंदर, ठीक है, आपके पास डाटाबेस के अंदर दो तीन टेबल्स हैं, और ये है जैसे ये वाला है, इसमें रोल नंबर वन, इसमें भी रोल नंबर वन, इसमें कुछ और नाम लिख रहा है रोल नंबर वन का, और इसमें कुछ और नाम लिख रहा है रोल नंबर वन का। मान लो इसमें रोल नंबर वन का नाम है अमन, और इसमें रोल नंबर वन का नाम है अनंत। ठीक है, तो एक ही रोल नंबर के दो लोग तो नहीं हो सकते, तो ये जो चीज़ है ना ये डाटाबेस में अलाउड नहीं होती है, तो इसे हम बोलते हैं डाटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज जो है डाटाबेस में नहीं अलाउड होती हैं। आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ द डाटाबेस, डाटाबेस के कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। डाटाबेस में एक या एक से ज़्यादा टेबल्स होती हैं, उसके बाद हर एक टेबल में इंफॉर्मेशन रहती है एक ही तरह की चीज़ों की। एक टेबल में सिंगल टाइप ऑफ डाटा होता है, जैसे कि मान लो एक टेबल है जिसमें केवल लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है, ठीक है, एक टेबल में केवल बच्चों की लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है, एक टेबल है जिसमें केवल बच्चों की फीस का रिकॉर्ड है, किसका, फीस का, एक टेबल है जिसमें बच्चों की क्या कहते हैं रिजल्ट का रिकॉर्ड है, एकेडमिक रिजल्ट का। ठीक है, तो ये जो है ना ये फीचर डाटाबेस है कि एक टेबल में एक ही टाइप का डाटा होता है। उसके बाद एनी पुट एन इन्फॉर्मेशन, वी मे हैव पीपल विद द सेम नेम और सेम एड्रेस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नेम सेम होता है या फिर नेम एड्रेस सेम होता है, तो उसके लिए क्या किया जाए मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक टेबल है, यहाँ पे मैंने बच्चों के डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे 1 2 3 ये हो गया आपके रोल नंबर, यहाँ पे आपका नेम हो गया, यहाँ पे आपका एड्रेस हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जिनका नेम सेम होता है, जैसे कि अभिषेक, अभिषेक बहुत ही कॉमन नेम है, तो दो तीन बच्चों के नाम है अभिषेक, तो क्या हुआ फिर डाटाबेस में गड़बड़ हो जाएगी, एक ही नाम के दो तीन चीज़ नहीं, हम क्या है रोल नंबर अलग अलग कर देंगे उनका, एक का रोल नंबर रख दिया 1, एक का रोल नंबर हो गया 2, जब रोल नंबर ही अलग अलग है तो दिक्कत ही नहीं है कुछ, तो रिकॉर्ड यूनिकनेस भी बनी रहती है डाटाबेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है ना आपको अभी समझ में नहीं आएगा, फिर भी देख लो। एवरी डाटाबेस टेबल शुड हैव वन और मोर फील्ड्स डेजिग्नेटेड एज की, तो डाटाबेस के अंदर कीज होती हैं, क्या होती हैं कीज, अब कीज के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये पॉइंट हमारी समझ में आ जाएगा कीज क्या होती है। पहला है आपका प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होती है इसे समझो। जैसे ये है मेरे पास एक टेबल, इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि सबसे पहला मैंने लिखा यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी नेम, मान लो नेम, ठीक है, तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिन बच्चों के नेम सेम होते हैं तो उनका रोल नंबर डिफरेंट होता है, वैसे तो सभी बच्चों का रोल नंबर डिफरेंट ही होता है, लेकिन अगर नेम सेम है, एड्रेस सेम है, मोबाइल नंबर सेम है, कुछ भी सेम है, लेकिन रोल नंबर जो है हमेशा डिफरेंट होगा, तो जो चीज़ हमेशा डिफरेंट होती है, हमेशा यूनिक होती है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी की, क्या बोलते हैं प्राइमरी की।
इससे क्या है, हम किसी भी नाम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो कोई बुलाने आए किसी को, अभिषेक को कोई बुलाने आया क्लास में कि अभिषेक को भेज दो, और क्लास में है 5-6 अभिषेक, तो टीचर पूछेगा कि कौन सा अभिषेक आपको चाहिए, रोल नंबर 1 वाला, रोल नंबर 2 वाला, रोल नंबर 3 वाला। तो इससे क्या है कि यूनिकनेस होती है डेटाबेस के अंदर, तो प्राइमरी की यूनिक वैल्यू होती है। यूनिक क्या है, मतलब हर एक बच्चे के लिए अलग अलग रोल नंबर होगा जिसे हम किसी भी रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रो मतलब किसी का भी एक बच्चे का पर्टिकुलर रिकॉर्ड। रो क्या होता है, ये है आपके कॉलम्स वर्टिकल जो होते हैं, ये है आपके रोज हॉरिजॉन्टल जो होती हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्राइमरी की का। प्राइमरी की आज ऑल्सो इंडेक्स्ड इन द डाटाबेस, मेकिंग इट फास्टर फॉर द डाटाबेस टू द सर्च फॉर। किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए प्राइमरी की का बहुत ही अच्छा यूज होता है। अगला आता है कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की का क्या मतलब है, मान लो जैसे आपके एक पास टेबल है और इसमें आपने बच्चों का एक पहले तो एडमिशन नंबर लिखा, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर लिखा, और फिर उसका नेम, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, एड्रेस वगैरह हमने सब कुछ लिख दिया। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि एडमिशन नंबर को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ये जो है यूनिक रहेगा, एडमिशन नंबर दो बच्चों का सेम नहीं हो सकता। ऐसे ही रोल नंबर भी प्राइमरी की बना सकते हैं, वो भी कभी किसी का सेम नहीं होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि प्राइमरी की केवल 1 को बना सकते हैं, किसी भी एक चीज़ को। ऐसे नहीं है कि एडमिशन नंबर को भी प्राइमरी की बना दिया, इसको भी, केवल एक फील्ड को आप प्राइमरी की बना सकते हो। तो जो दूसरा फील्ड है ना, उसे हम बोलेंगे कंपोजिट प्राइमरी की। जो दूसरा है उसे हम कंपोजिट प्राइमरी की का दर्जा दे देते हैं। एंड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड टू वन और मोर कॉलम्स, देन इट इज नोन एज कंपोजिट। अगली की है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, जब हम जो टेबल्स को आपस में रिलेट करते हैं, टेबल्स को आपस में रिलेट करते हैं, रिलेट यानी कि लिंक करते हैं, ये है मेरी एक टेबल और ये है मेरी दूसरी टेबल, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे है आपका, सबसे पहले मैं बता देता हूँ रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर है आपका सबसे पहला, हर एक टेबल में रोल नंबर ही होगा। दूसरे टेबल में है आपका नेम, मतलब जो दूसरा है वो है आपका नेम सेम टेबल में, और तीसरा है कुछ भी आपका एड्रेस, ठीक है। ये है आपके मेन टेबल, ठीक। इसकी प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर। दूसरी टेबल है आपका, ये है लाइब्रेरी की टेबल, ये है लाइब्रेरी की टेबल। इसके अंदर यहाँ पे है आईडी, ठीक है, आईडी, फिर उसके बाद नेम ऑफ बुक, नेम ऑफ बुक, उसके बाद है यहाँ पे नेम ऑफ बुक के बाद यहाँ पे जो है लिखा हुआ है बच्चे का रोल नंबर। अब एक बात बताओ, या इस टेबल के अंदर रोल नंबर प्राइमरी की हो सकती है या नहीं हो सकती? तो इस टेबल के अंदर रोल नंबर प्राइमरी की हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे जो है नेम ऑफ बुक और रोल नंबर है ना, तो कोई भी बच्चा लाइब्रेरी से बार बार कोई भी बुक ले सकता है। जो प्राइमरी की है वो कभी रिपीट नहीं करती है, प्राइमरी की कभी रिपीट नहीं करती। जैसे इस टेबल में रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 होंगे, है ना, ऐसे होते हैं रोल नंबर 1, 2, 3, 4, कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन इस वाले टेबल में रोल नंबर रिपीट करेंगे। जैसे किसी भी बच्चे ने एक बुक खरीदी, यहाँ पे उसका रोल नंबर लग गया, मान लीजिए उसका रोल नंबर 1 है, फिर 2-3 दिन बाद वो फिर से आया और उसने एक और बुक ले ली, तो यहाँ फिर से रोल नंबर बना गया। तो ये जो है प्राइमरी की तो नहीं है, तो ये क्या है? ये दोनों टेबल मैंने आपस में लिंक कर दी, और इस टेबल की जो प्राइमरी की थी वो इस टेबल की फॉरेन की बन जाएगी। इस टेबल के लिए ये जो है ये फॉरेन की है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए आपको, ये मैंने पूरा पूरा आपको बता दिया है। ये फॉरेन की आइडेंटिफाइज कॉलम ऑफ सेट ऑफ कॉलम्स एंड रेफरेंसिंग टेबल दैट रेफर्स टू कॉलम सेट ऑफ कॉलम्स एंड अदर टेबल। वन साइड ऑफ द रिलेशन इज ऑलवेज पेरेंट एंड प्रोवाइड्स पी के एट्रीब्यूट्स। पी के मतलब प्राइमरी की टू बी कॉपीड, मतलब प्राइमरी की कॉपी होती है वहाँ पे, और उसे हम फॉरेन की बोलते हैं। और मैनी साइड ऑफ अ रिलेशन इज ऑलवेज अ चाइल्ड, इस लाइन को समझना। मतलब क्या होता है, पेरेंट तो गिने चुने एक या फिर दो ही होते हैं, मतलब दो पेरेंट्स हैं आपके, ठीक है। मान लो एक पेरेंट है, एक पेरेंट है उसके कई बच्चे होते हैं, मैनी चाइल्ड्स होते हैं। तो पेरेंट को आप रिलेट कर सकते हो प्राइमरी की से, किससे, प्राइमरी की से, और चाइल्ड को रिलेट कर सकते हो आप फॉरेन की से। कैसे, कि प्राइमरी की कभी रिपीट नहीं होगी, सेम रहेगी, लेकिन फॉरेन की दूसरी टेबल में बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चन हमने दे दिए हैं आपको, इन सबको कीजिए आप। तो मैं यहाँ पे साइड में बैठ जाता हूँ, ठीक है, और आप यहाँ पे छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।